अस्सलाम वालेकुम, इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो इससे पहले स्पीड ऑफ साउंड से पहले हम जो है चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी वीडियोज जो है वो अपलोड कर रहे हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है क्योंकि डिपेंड करती है मीडियम की डेंसिटी पे कि मीडियम की डेंसिटी किस टाइप की है। अब डिफरेंट मीडियम जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो मीडियम होता क्या है बेसिकली? अ मीडियम इज अ मटीरियल थ्रू विच साउंड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नीड टू ट्रांसफर। यानी साउंड जो के फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो मीडियम उसके ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मीडियम की वजह से साउंड जो है हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि साउंड जो वेव है वो उसकी प्रोपगेशन के लिए हमें मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। तो इसीलिए मुख्तलिफ मीडियम की डेंसिटीज डिफरेंट होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मुख्तलिफ मीडियम के अंदर मुख्तलिफ होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में फास्ट स्पीड होती है और लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो मीडियम होती है। यानी लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी कम होती है। इसी तरह से गैसेस के अंदर जो स्पीड होती है वो स्लो स्पीड होती है। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के अंदर नो स्पीड यानी कि सॉरी नो साउंड, वैक्यूम के अंदर नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम, नो साउंड। In vacuum, no sound. अब speed of sound हम देखते हैं कि solid, liquid और gases में क्या होती है। Speed of sound in solid, liquid and gases. तो speed of sound सबसे ज्यादा जो होती है वो solid में होती है because solid के molecule तेजी के साथ vibrate करते हैं और liquid के अंदर speed of sound solid की निस्बत कम होती है। Gases में speed of sound जो होती है क्योंकि gases के particle सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैसेस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे लेस होती है, सबसे कम होती है। आप अगर हम कंपेयर करें लिक्विड और गैसेस का तो लिक्विड और गैसेस में कंपैरिजन करने से हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो गैसेस की निस्बत लिक्विड में जो है 5 times ग्रेटर होती है। यानी लिक्विड में 5 times ग्रेटर होती है गैसेस की निस्बत स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम जो बात करें उसकी गैसेस की और सॉलिड की तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 15 times ग्रेटर होती है इंस्टेड जो है वो गैस के। यानी गैस की निस्बत स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में 15 times ग्रेटर होती है, 15 times ज्यादा तेजी के साथ जो है वो ट्रांसफर होती है या स्पीड ऑफ साउंड उसमें होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है अफेक्टेड बाय चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन। यानी स्पीड ऑफ साउंड पे सम फिजिकल कंडीशन जो है वो भी एप्लीकेबल है। इसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के बारे में यहां पे बता रहे हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी जो है ये वेरी करती है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। मतलब टेम्परेचर में फर्क आने से, प्रेशर में चेंजिंग से या ह्यूमिडिटी में चेंजिंग से इससे स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहां पहले पढ़ भी चुके हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 21 सेल्सियस 1 atmosphere प्रेशर जो होती है वो 343 meters per second होती है। अब उसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज फास्टर देन इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड बहुत अहम बात है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड में फास्टर होती है इंस्टेंट एयर के। यानी हवा की निस्बत स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड और लिक्विड में ज्यादा तेजी के साथ जो है मूवमेंट होती है। अब इस स्पीड ऑफ साउंड को हम मालूम करने का हमारे पास फार्मूला भी है जो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। v यहां पे स्पीड ऑफ साउंड है, f यहां पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है और लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड में v यहां पे स्पीड ऑफ साउंड है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, उसकी वेवलेंथ है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी देखा करें, मेरी कोई भी वीडियो है उसको एंड तक लाजमी देखें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।